नमस्ते दोस्तों, अपर्णाज रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चपाती का रोल। एक्चुअली हम बनाएंगे मार्केट स्टाइल फ्रैंकी। तो मार्केट स्टाइल बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर मैदा और गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया है, पर अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो, बच्चों को खिलाना चाहते हो, तो मैदा की जगह पर आप गेहूँ का आटा यूज़ कर सकते हो और इस रोल को बहुत ही हेल्दी बना सकते हो। तो अगर गेहूँ का आटा यूज़ कर रहे हो तो ये चपाती रोल ही बन जाएगा। पर चपाती रोल मतलब ये बस सब्जी रोटी ऐसे नहीं है, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें जिससे ये रोल बनता है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटा। तो चलिए इस बहुत ही चटपटी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने लिया है, ये थोड़ा सा विनेगर। साधारण 2 से 3 बड़े चम्मच विनेगर मैंने यहाँ पर लिया है और इसमें हमें डालनी है ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मैंने हरी मिर्च थोड़ी सी कम ली है, आप चाहो तो ज़्यादा हरी मिर्च यहाँ पर डाल सकते हो। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसे ढककर रखना है और रेसिपी के एकदम एंड में हमें इसे यूज़ करना है। तब तक इससे बनेगा हरी मिर्च का बहुत ही स्वादिष्ट सा अचार। अब फ्रैंकी बना रहे हैं तो हमें चाहिए फ्रैंकी मसाला। फ्रैंकी मसाला वैसे मार्केट में भी मिल जाता है पर घर में भी हम इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस उसके लिए हमें चाहिए 1.5 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको डाल देना इसमें। साथ में ही यहाँ पर मैंने ली है ये 1 बड़ा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। भुने हुए जीरे की पाउडर बना कर लेनी है आपको, या तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो जीरा पाउडर घर में होती है उसी को आप गरम तवे पर बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेना, आपको मिलेगी रोस्टेड जीरा पाउडर। तो इस मसाले में बहुत ही बढ़िया से टेस्ट ऐड करेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें चाहिए ये थोड़ी सी धनिया पाउडर, साथ में ही गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें डाल देना, काली मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर थोड़ी ज़्यादा लेनी है हमें, तो साधारण 1.5 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर ली है मैंने यहाँ पर। इसी के साथ हमें चाहिए ये 0.5 बड़ा चम्मच से भी थोड़ा सा ज़्यादा सेंधा नमक। सेंधा नमक और आमचूर पाउडर, इन दोनों के वजह से बहुत ही चटपटा सा स्वाद आने वाला है इसमें। बस अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना। एक्चुअली फ्रैंकी मसाले में अनारदाने की पाउडर भी यूज़ की जाती है पर अनारदाना पाउडर उतने ईजीली अवेलेबल नहीं होती है घर में, तो उसके बदले आमचूर पाउडर ही मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। तो इन मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्रैंकी मसाला बनकर तैयार है। अब इस मसाले को आप स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपको फ्रैंकी बनानी है इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब वेज फ्रैंकी बनानी है तो हमें और एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है हरी चटनी। वैसे हरी चटनी की एक रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो 3 चीज़ें हमने रेडी कर रखी है, एक तो हरी मिर्च का अचार, फ्रैंकी मसाला और ये हरी चटनी। तो चलिए अब रोल बनाने के लिए डो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये 1 कप मैदा लिया है और इसी के साथ में लिया है ये 0.5 कप गेहूँ का आटा। जैसे मैंने आपको पहले बोला, आप चाहो तो पूरा गेहूँ का आटा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देना और इस रोटी को हमें थोड़ा सॉफ्ट बनाना है तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये साधारण 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को भी आटे के साथ अच्छे से मिला देना और तेल को अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो गूंथना है। जैसे अपना नॉर्मल चपाती का रोटी का डो होता है वैसे ही डो हमें बनाना है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो मैंने बना लिया है, इसके ऊपर थोड़े से तेल के ड्रॉप्स छिड़क देना और अब इस डो को हम सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए ढककर रखेंगे। जब तक ये अपना डो सेट हो रहा है हम फ्रैंकी के लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 4 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके लिया है, इनको अच्छे से स्मैश कर लेना। आलू स्मैश करके तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ये कुछ लहसुन की कलियाँ ली है, इसमें थोड़ी सी छोटी बड़ी लहसुन की कलियाँ है तो मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली है और साधारण 1 इंच से थोड़ा सा कम अदरक लिया है और 1 ही हरी मिर्च ली है। मैं इसे ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ इसलिए 1 हरी मिर्च ली है, आप चाहो तो 2 से 3 हरी मिर्च यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इन्हें हमें दरदरा सा पीस कर लेना है, ऐसा करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये देखिए, ये रेडी है। पैन में मैंने ये 2 बड़े चम्मच तेल डाल रखा है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है।
तो इसमें मैंने ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। प्याज को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक, थोड़ा सा पिंक कलर होने तक भूनना है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ये पेस्ट डाल देना और इसको भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेना। लहसुन और अदरक के कच्चे टेस्ट नहीं आनी चाहिए इसमें। अब इसे अच्छे से भूनने के बाद हमें इसमें डालना है ये अपना फ्रैंकी मसाला। तो यहाँ पर साधारण 2 बड़े चम्मच फ्रैंकी मसाला मैं डालूंगी। थोड़ा सा कम ही मसाला अभी डाला है मैंने, अगर ज़रूरत पड़ी तो और थोड़ा सा मसाला हम ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब मसालों को भूनते समय गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, मसाले बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। बस कुछ सेकेंड्स ही इन्हें भूनना है हमें और तुरंत ही इसमें ये क्रश किया हुआ आलू डाल देना। आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिला देना। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। अगर आपके पास फ्रैंकी मसाला रेडी है तो ये स्टफिंग बनाने में बहुत कम समय लगता है। अब स्वादानुसार नमक डाल देना इसके ऊपर और ये बहुत सारी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी डाल देना। धनिया पत्ती से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर नमक मैंने थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि फ्रैंकी मसाला में भी हमने थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड किया था। अब ये स्टफिंग रेडी है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक ये देखिए यहाँ पर अपना डो भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसके हमें बॉल बनाने हैं। साधारण छोटी सी रोटी बनाने के लिए हम जितना बॉल बनाते हैं वैसे साइज का बॉल बनाना है हमें। तो इतने आटे से ये देखिए ये 9 गोले बन गए हैं। अब इसे रोटी बनाना बहुत ही आसान है। हम नॉर्मल जैसे रोटी बेलते हैं वैसी ही रोटी हमें बनानी है। हमें इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, रोटी के जैसे पतला ही बेलना है हमें। और मैंने मैदे के साथ गेहूं का आटा भी थोड़ा सा मिलाया है तो बहुत ही आसानी से ये बेली जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रोटी मैंने बेल ली है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से पतली रोटी बेली है मैंने। अब इसे हमें सेकना है। तवा गर्म होने के बाद इस पर मैंने ये 1 बूंद तेल डाला है और थोड़ा सा बटर डाला है। बटर जले नहीं इसलिए मैंने इस पर तेल डाला है। इसके ऊपर ये रोटी डाल देना। यहाँ पर ध्यान रखना है रोटी को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, हर एक साइड से बस कुछ सेकेंड से इसे सेकना है। आधा कच्चा रखना है हमें इसे पहले। तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा बटर लगाते हुए ये देखिए मैंने इसे सेक लिया है। और ऐसे ही मैंने ये बाकी की रोटियों को भी बेल कर सेक कर रेडी किया है। मैंने इन्हें आधा कच्चा रखा है क्योंकि फ्रैंकी बनाते समय भी हमें इन्हें थोड़ा सा सेकना है। अब ये अपना स्टफिंग अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा स्टफिंग निकालते हुए हमें इसका थोड़ा सा लंबा सा कबाब जैसा रोल बनाना है। एक्चुअली मैंने इसे थोड़ा सा लंबा रखा है क्योंकि मैंने रोटी भी थोड़ी सी बड़ी बनाई है। ये देखिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा स्टफिंग बना है। तो इसी तरीके से ये देखिए, ये कुछ स्टफिंग के रोल्स बनाकर मैंने रेडी किए हैं। अब जिस तवे पर हमने रोटी को सेका है इसी तवे पर हमें इन रोल्स को भी सेक लेना है। इनके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देना। तो दोनों साइड में बटर लगाते हुए बीच बीच में थोड़ा सा उलटते पलटते साधारण 1 मिनट तक इन्हें अच्छे से सेक लेना। ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, पर बटर से ऐसे सेकने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए मैंने इसको आसानी से पलट दिया है और आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है। तो दोनों साइड से ऐसे ही ब्राउन कलर आने देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये स्टफिंग के लिए रोल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब सारी चीज़ें रेडी है, सारी चीज़ों को हमें बस असेंबल करना है। तो फ्रैंकी बनाने के लिए ये एक रोटी मैंने यहाँ पर ली है, इसे हमें फिर से थोड़ा सा सेक कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से सेक लेना दोनों साइड से। अब पहले हम बनाएंगे वेज फ्रैंकी। तो इसके ऊपर मैंने ये हरी चटनी डाल दी है, इसे अच्छे से फैला देना। आपको जितनी हरी चटनी अच्छी लगती है उतनी चटनी आप यहाँ पर लगा देना। अब ये आलू का स्टफिंग इसके ऊपर रख देना। जो फ्रैंकी मसाला हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसमें से थोड़ा सा फ्रैंकी मसाला यहाँ पर छिड़क देना ऐसे। प्याज को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट कर रखा था, इसको इसके ऊपर डाल देना। साथ में ही ये पतला पतला कटा हुआ पत्ता गोभी भी इसके ऊपर रख देना। पत्ता गोभी इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसे आप ज़रूर डालना। इसी के साथ यहाँ पर मैंने ये धनिया पत्ती डाल दी है। ये सिरके वाली हरी मिर्च आप देख सकते हो इसका कलर कैसे चेंज हुआ है, बहुत अच्छे से ये अचार बन गया है। इसमें से थोड़ा सा यहाँ पर डाल देना, थोड़ा सा सिरका भी आप यहाँ पर छिड़क सकते हो, पर ज़्यादा सिरका ना डालना नहीं तो ये खट्टा हो जाएगा।
अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टमाटो केचप डाल रही हूँ। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो टमाटो केचप आप डाल ही दीजिए, क्योंकि बच्चों को टमाटो केचप बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा वेज फ्रैंकी रोल बनकर तैयार है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हो, या फिर आप इसे तवे पर थोड़ा सा सेको तो ये और भी टेस्टी लगता है। तो चलिए अब बनाते हैं शेजवान फ्रेंकी रोल। शेजवान फ्रेंकी रोल बनाने के लिए यहाँ पर रोटी के ऊपर ये मैंने शेजवान चटनी डाल दी है, फैलाना इसको अच्छे से। इसी के साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा रेड चिली सॉस, ये थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस मेरे पास था इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेंकी मसाला छिड़क देना और ये आलू का स्टफिंग रख देना। आप चाहो तो इसे स्मैश करके ऐसे भी रख सकते हो। फिर से इसके ऊपर रखेंगे ये थोड़ा सा प्याज, ये थोड़ा सा पत्ता गोभी, ये सिरके वाली हरी मिर्च, और यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा चीज़ घिस कर डाल रही हूँ। चीज़ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वेज फ्रेंकी रोल में भी आप चाहो तो चीज़ डाल सकते हो। फ्रेंकी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, चीज़ डालने से इसका मज़ा और दुगना हो जाता है। अब इसको ऐसे रोल कर देना। बहुत सारा स्टफिंग मैंने इसके अंदर डाला है, बहुत ही अच्छे से मैंने इसे बना लिया है। अब इसको हम तवे पर थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो ये थोड़ा सा बटर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। बटर लगाते हुए दोनों फ्रेंकी को आप अच्छे से सेक लेना। तो देखिए दोस्तों, रेसिपी उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है। अगर आप इसे चपाती के साथ बनाओ तो ये और भी हेल्दी हो जाएगी। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छी लगती है ये। अगर एक बार आप इसे घर में बनाओगे तो उसके बाद आप बाहर की फ्रेंकी कभी भी नहीं खाओगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो नीचे का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना। उससे क्या होगा, मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।